Anita and Me, 1996, is an educational novel by Meera Syal. This novel is based on a first-hand experience. ये जो राइट नॉवलिस्ट को है जाकी कहानी लिख रही है उसको सब मालूम है वाकई में फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस देयरफॉर द नॉवल इज ट्रू टू लाइफ एकदम लगता है सच्ची बात है द फेमस वर्क्स ऑफ मीरा सायल आर लाइफ इज इन हा हा ही ही टू द हाउस ऑफ हिडन मदर्स द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स इन अनीता एंड मी आर एक्सक्यूज मी आर अनीता Fat Sally, Sam, Low Bridge, Sunil, baby brother, छोटा बच्चा उसका छोटा भाई है Nanima, Daljit and Shyam. Page 2 में हमारे देखा थैंक यू बता जानू द सेटिंग और द प्लेस ऑफ ऑकरेंस ऑफ द स्टोरी इज एन इमेजिनरी प्लेस नेम टेलिंगटन इंपॉर्टेंट है काल्पनिक जगह है टेलिंगटन सम राइटर्स यूज दिस टेक्निक टू अवॉइड ट्रबल ये इंपॉर्टेंट बात क्या है काल्पनिक जगह ले लेते हैं और कहानी लिखते जाते हैं कोई पकड़ेगा बोले तो अब ये तो आपके गांव के बाहर कहानी नहीं है मेरी कहानी है इसलिए झंझट से बचने के लिए ये लोग काल्पनिक नाम दे देते हैं इन अ फिक्शन यू कैन स्पीक द ट्रूथ यू कैन नॉट स्पीक इन रियल लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट बात है कहते काल्पनिक कथा में उपन्यास में वो सब सच बातें आप लिख सकते हैं क्योंकि वास्तविक जीवन आप नहीं कह सकते नहीं लिख सकते इसीलिए कभी कभी ये सब उपन्यास में ज़्यादा सच बोलता है लेट अस अंडरस्टैंड द टाइटल ऑफ द नॉवल अनीता एंड मी अब टाइटल कुछ समझा जाए मी स्टैंड फॉर द नैरेटर मीना मी कौन है मीना है अनीता इज मीना फ्रेंड अनीता कौन है मीना की दोस्त है सो द टाइटल मीन्स राइटर एंड अ फ्रेंड अनीता ठीक है एक टाइटल है राइटर है और उसकी दोस्त है अनीता तीसरी माँ है हटाओ उसको बेटा ठीक है अब देखिए कहानी मीना इज अ पंजाबी गर्ल शी हैज माइग्रेटेड टू अ फॉरेन कंट्री विथ हर फादर एंड मदर कोई परदेश चली गई है इमिग्रेंट है ये मीना फेसेस टेंशन एट होम एंड स्कूल उसको टेंशन घर में भी होता है और स्कूल में भी होता है वन डे शी स्टील्स मनी एट होम टू बाई स्वीट्स मिठाई खरीदने के लिए पैसा चुरा लेती है छोटी बच्ची है शी इज़ ह्यूमिलिएटेड बाय अ फादर उसके पापा उसको बहुत इंसल्ट करते हैं डांटते उड़ते होंगे एट स्कूल शी फील्स ह्यूमिलिएशन फॉर हैविंग ब्राउन स्किन और स्कूल में अलग उसको मतलब अनकम्फर्टेबल फील करती है क्योंकि उसको ब्राउन कलर की है और वो सब फॉरेन लेडी है लड़की सब जो है गोरी गोरी है शी इज़ अमेज्ड व्हेन शी सीज़ गर्ल्स विद मिल्की वाइट स्किन और लड़कियों को गोरी गोरी लड़कियों को देखते हुए आश्चर्यचकित हो जाती है मीना हैज़ अ लविंग फ्रेंड अनीता मीना की एक दोस्त है अनीता है दे शेयर द प्रॉब्लम आपस में एक दूसरे प्रॉब्लम वो लोग शेयर करते हैं मीना विथ हर इंडियन बैकग्राउंड इज डिस्टर्ब्ड व्हेन शी फेसेस व्हेन शी सीज फ्री सेक्स एट टॉलिंगटन मीना जो है पंजाबी बैकग्राउंड की है वहाँ पर जो फ्री सेक्स देखती है टॉलिंगटन में वो थोड़ा घबरा जाती है मीना द नैरेटर सब लिमिट्स हर सेक्स Another problem by concentrating on her studies of class 11. ये क्या करती है इस डिस्टर्बेंस के बावजूद क्या करती है सब प्रॉब्लम को सबलिमिट कर देती है दबा देती है कैसे अपने पढ़ाई में ध्यान देकर क्लास 11 की पढ़ाई करके खूब ध्यान देती है उसके बारे में उसके दिमाग से हट जाता है उसका प्रॉब्लम जैसे हम अपनी चिंता कैसे दूर करते हैं उसे पढ़ने में लग जाते हैं ठीक है शी हैज़ अ रिजल्ट क्या होता है उसका शी हैज़ अ गुड रिजल्ट एंड बिकम द प्राइड ऑफ अ फादर तो पापा का गौरव बन जाती है मदर एंड फ्रेंड्स पापा का ही नहीं मम्मी का उसके दोस्तों का भी वो गौरव बन जाती है मीना फादर सेज टू मीना आई एम प्राउड ऑफ यू देखिए पापा एक दिन डांटते थे चोरी के लिए वही पापा उसको कहते हैं हमको तुमको गर्व द नॉवल अनीता एंड मी एज अ मॉरल्स कहानी में शिक्षा है कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज पढ़ाई लिखाई ड्यूटी में ध्यान दो यू विल हैव योर रिवॉर्ड मिलेगा आपको इवन द पीपल ऑफ अदर नेशंस विल रिस्पेक्ट यू और दूसरे लोग देश के लोग भी आपका आदर करेंगे ये लास्ट पेज है अब देखिए एन इमिग्रेंट समझिए एन इमिग्रेंट इज अ पर्सन हु लीव्स हिज कंट्री एंड लिव्स इन अनदर कंट्री इमिग्रेंट कौन है जो अपना देश छोड़ के दूसरे देश में बस जाता है उसको कहते हैं इमिग्रेंट राइटर मीरा सैल इन अनीता एंड मी राइट्स अबाउट द स्ट्रगल ऑफ अ पंजाबी फैमिली इस पंजाबी फैमिली ये भी इमिग्रेंट है इसके संघर्ष को लिखती है
द मेम्बर्स ऑफ द फैमिली सेटल इन अ फॉरेन लैंड, ये लोग जो है पंजाबी फैमिली है दूसरे देश में बस जाते हैं, दे आर सक्सेसफुल एंड हैप्पी बिकॉज ऑफ देयर ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्क, और वो लोग इसलिए सफल होते हैं क्योंकि वो ईमानदार है और ईमानदारी से कठिन परिश्रम करते हैं। टू कंक्लूड, अनीता एंड मी इज एन इंस्पायरिंग नॉवल फॉर इमिग्रेंट्स, इमिग्रेंट्स के लिए ये नॉवल जो है ये प्रेरणा देने वाला है। दैट्स ऑल, थैंक यू।